दोस्तों, आज की जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है वो स्मार्टफोन। स्मार्टफोन लगभग हर एक इंसान के हाथ में आपको आजकल मिल जाएगा, वो भी स्मार्टफोन ऐसे वाले जो कि आज से हम 2 या 3 साल पहले या फिर लगभग आज से 5 साल पहले वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते थे कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होगी कि शायद हम उस स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी को आज के टाइम में वो जो देख रहे हैं वो हमारे आँखों के सामने हो भी पाती। तो यही जो कमाल है वो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनी के बदौलत है, मगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा से हमारे सामने आती हुई आई है और काफ़ी पुराने टाइम से आ रही है और आज भी आती है, जो कि है TPU का सिलिकॉन केस होता है। नॉर्मली आपने ये देखे होंगे, किसी भी स्मार्टफोन कंपनी आपको देती है एक, मतलब जब भी आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके साथ या तो आपको ऑलरेडी कवर ये वाला मिल जाता है, नहीं तो आपने किसी ना किसी अपने दोस्त के पास ये स्मार्टफोन कवर जरूर से देखा होगा। और इस स्मार्टफोन कवर के बेसिकली में होता है क्या है कि शुरुआती तौर पर तो ये बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है इसके ऊपर निशान, धब्बे और ये येलोपन इसके अंदर आने लग जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या ये येलोनेस है वो ख़त्म की जा सकती है, नहीं की जा सकती, और नहीं की जा सकती है तो क्यों नहीं की जा सकती है और क्यों ये येलो हो जाता है टाइम के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिलिकॉन या TPU केस के बारे में, तो ये जो मेन इफेक्टिव होता है वो होता है लाइट की वजह से, हीट की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से, जो कि हमारे नॉर्मली वातावरण में ये ऑलरेडी होती है। तो इन तीनों चीज़ों से हम इसको किसी भी तरीके से नहीं बचा सकते हैं। लाइट जो कि हमको 24 घंटे मिलती रहती है, भले से वो धूप की हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, नॉर्मल लाइट हो तो वो कम इफेक्ट करेगी, तो लाइट से हम इसको किसी भी तरीके से बचा नहीं सकते हैं। सेकेंड हो गया हीट। हीट से भी हम किसी भी स्मार्टफोन को नहीं बचा सकते हैं। अगर आप चार्ज करोगे, गेमिंग करोगे, इंटरनेट चलाओगे तो फ़ोन हीट अप होगा ही होगा, तो हम इसको हीट अप से भी नहीं बचा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से तो हम खुद नहीं बच सकते हैं, तो स्मार्टफोन को तो बचा पाना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल वाला काम है। अब तीनों चीज़ों के ऊपर ही काम किस तरीके से करते हैं और ये क्यों पीला हो जाता है उसके ऊपर हम जानते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी का टॉपिक नहीं है, ये केमिस्ट्री के अंदर आने वाला टॉपिक है, मगर हम आज इसके अंदर में बात करेंगे कि शायद मैं एक नई नई अलग अलग वैरायटी की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये जो नॉर्मली जो स्मार्टफोन के जो कवर होते हैं इनके अंदर कुछ रिएक्शन होती है, जैसे फोटो थर्मल ऑक्सीजन रिडक्शन वाली काफ़ी सारी जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी सारी यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है। और मैं आपको एक सीधे सीधे तौर पे एक बात बता दूँ, ये जो रिएक्शन होती है वो इन रिवर्सेबल होती है, यानी उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम किसी कागज़ को जला देते हैं तो उसको वापस कागज़ नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक रिएक्शन होती है जो कि रिवर्स की जा सकती है, जैसे कि हमने बचपन में देखा है कि पानी को हम जमा कर बर्फ़ कर देते हैं, बर्फ़ को वापस रखते हैं तो वो वापस पानी बन जाता है। तो और जो ये TPU केस होते हैं इनके अंदर जो कार्बोनेट होते हैं, पॉलीकार्बोनेट होते हैं, वो अपनी जो लोकेशन होते हैं वो चेंज कर लेते हैं। अब चेंज कर लेने के कारण ये जो अपनी नॉर्मल पोजिशन है उसमें वापस नहीं आ सकते हैं, तो इसी वजह से जो इनके अंदर येलोनेस आ जाती है वो कभी भी वापस नहीं जा सकती। वैसे तो आपने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें काफ़ी टाइप के जो वीडियो लिक्विड है उन्होंने यूज किया है और उन्होंने दिखा दिया है कि हमने इस चीज़ को रिमूव कर दिया है, और बेसिकली हम साइंस के तौर पे और केमिस्ट्री के तौर पे देखें तो इस चीज़ को रिमूव कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये इनरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे जो TPU केस होते हैं या फिर सिलिकॉन केस होते हैं या फिर इनको जो ट्रांसपेरेंट केस जो आप बोलते हैं वो क्यों पीले पड़ जाते हैं और क्यों इनको हम वापस से वाइट नहीं कर पाते हैं या फिर वाइट नहीं रख पाते हैं। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा थम्स अप और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।